डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक है फैक्टर्स। एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, जो पीडीएफ दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ। अरे बच्चों, इसमें जो नंबर मेरे पास है, जो क्वेश्चन है, इसका ऑल फैक्टर हमको लिखना है। ऑल फैक्टर तो पहले इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तभी लिख पाएंगे ऑल फैक्टर। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए हम लोग अपनाते हैं मल्टीपल रूल। 1 × 24 = 24, 2 × 12 इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे 24 आना चाहिए, यही संख्या इसका फैक्टर होता है। फैक्टर का अर्थ ही होता है कि जो ये जो संख्या दिया है उसी वो संख्या उसके टेबल में, जो भी संख्या हो उसका टेबल में आना चाहिए। तो ये टेबल सब में जो है सब संख्या आएगा, 1 से इतना 2 से 24, 3 से 3 8 24, 4 से बच्चों 4 के बाद जो है इसमें जैसे हम लोग बढ़ेंगे 4 से तो 6 के बाद 6 का टेबल में आएगा, 6 × 24। तो जिस तरह से 6 × 24 और 4 × 24 ये दोनों सेम है, उसी तरह से सेम आते रहे, ये संख्या को हम लोग यही लास्ट करें। इसके बाद इसका हम लोग ऑल फैक्टर लिखेंगे। ऑल फैक्टर फैक्टर्स ऑफ 24 = ये फैक्टर जो है हम लोग इस तरह से इसको पूरा का पूरा टोटल लिखेंगे। सेम सीरियली यहां से करेंगे इसको हम लोग, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24, ये आंसर। अरे बच्चों, इस तरह से ही एक अन्य क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि उसका भी फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। ये 2 डिजिट का था, छोटा था, थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा 3 डिजिट का देखते हैं। 3 डिजिट वाला मुझे है किस तरह होता है, कितना बड़ा होता है, बड़ा होगा तो कैसे बनाएंगे, ये सिलसिला जो है मन में रहता है। तो इसको हम लोग जो है देखते हैं 3 डिजिट वाला एक सवाल। मान लेते 3 डिजिट वाला में एक कोई संख्या है 120, ये संख्या का हमको ऑल फैक्टर लिखना है। तो इसके लिए फिर हम लोग वैसे पूर्ण विधि से जो है उसको जो हम लोग ये फैक्टर टोटल निकाल लेते हैं। 1 × 120 = 2 × 120, 2 से देते हैं 2 × 60 = 120, 3 से देते हैं 3 × 40 = 120, 4 से लेते हैं 30 × 120, 5 लेते हैं 24 × 20, 6 लेते हैं 20 × 7, 8 से लेते हैं 15 × 10 लेते हैं 12 × 120। अरे बच्चों, इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 10 × 12, अब इसके बाद आएगा 12 × 10 से, तो उसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑल फैक्टर मेरा जो है सेम इस आधार पर जो है इसको हम लोग लिखेंगे यहां से इस तरह से यहां तक। तो इसका हम लोग ऑल फैक्टर लिखते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 120 = 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20,
24, 30, 40, 60 and 120. ये आंसर। तेरे बच्चों जो क्वेश्चन हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में जो मेरा पीडीएफ में दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सबको जो है टोटल का टोटल बना लेना है, कॉपी तैयार करके रखना है। थैंक यू।